त्योहार का मौसम भारत में सिर्फ शॉपिंग का ही नहीं, इन्वेस्ट करने का भी होता है। और जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गोल्ड हमेशा टॉप पर होता है। इंडिया में जब लोग मिठाइयाँ और गोल्ड खरीदने लगे तो समझ लीजिए कि त्योहार बहुत करीब है, क्योंकि हम सभी भारतीय की ये बहुत पुरानी आदत है कि हम अपना पैसा सिर्फ उसी जगह खर्च करते हैं जहाँ से हमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सके। और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो तो फिर गोल्ड से बेहतर इन्वेस्टमेंट शायद ही कोई होगी, क्योंकि आपने भी बहुत ही कम सुना होगा कि गोल्ड के दाम अचानक घट गए, और अगर ये घटते भी हैं तो बहुत तेजी से बढ़ भी जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आज से नहीं बल्कि सालों से सोना इकट्ठा किया जा रहा है, और हमारे घर की मम्मियाँ भी इसीलिए गोल्ड खरीदना पसंद करती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि फ्यूचर में अगर उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो कोई काम आए या ना आए, लेकिन उनका खरीदा हुआ गोल्ड जरूर काम आएगा। आज हम आपको इस शो में यह डिटेल में समझाएंगे कि अगर आप इस त्योहार के मौके पर अपनी पुरानी ज्वेलरी को बदलना चाहते हैं या अपने लिए नई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पुराने गोल्ड को एक्सचेंज करने का प्रोसेस क्या होता है, उसकी प्योरिटी कैसे चेक की जाती है, और अगर आप डिजिटल गोल्ड में भी अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस शो में मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे एपिसोड की तरफ, और सबसे पहले ये जानते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड म्यूचुअल फंड जैसी चीजें क्या हैं, और अगर आप धनतेरस के मौके पर कुछ फिजिकल गोल्ड भी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि धनतेरस पर मेटल खरीदना हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। गोल्ड खरीदते वक्त कुछ सवाल खुद से जरूर पूछें। आज के दौर में अगर आप अपने लिए गोल्ड खरीदना चाहते हैं या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डिजिटल गोल्ड में निवेश करके आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी अब यही चाहती है कि हम डिजिटल गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करें। तभी तो गवर्नमेंट ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम शुरू की है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यू करता है, और इस बॉन्ड के जरिए आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके बदले आपको एक बॉन्ड दे दिया जाएगा जिसमें ये सारी बातें मेंशन होंगी कि आपने कितने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किए। इस स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें सरकार खुद आपको हर साल तकरीबन 2.5% का इंटरेस्ट देंगी। क्योंकि ये डिजिटल गोल्ड है इसीलिए इसकी सिक्योरिटी की चिंता करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, और 5 साल बाद जब आप अपने खरीदे हुए बॉन्ड को बेचेंगे तो आपको वही कीमत दी जाएगी जो उस दौरान गोल्ड की होगी। इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड या ETF जैसे भी आपके पास कई ऑप्शंस हैं जहां आप डिजिटल तरीके से गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया में त्योहार के मौके पर या शादियों के मौके पर सबसे ज़्यादा लोग फिजिकल गोल्ड ही खरीदना पसंद करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत में धनतेरस जैसे त्योहार पर गोल्ड को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग इस त्योहार के मौके पर फिजिकल गोल्ड ही खरीदेंगे, और बहुत से लोग अपने पुराने गोल्ड को एक्सचेंज करके नए डिज़ाइन के गोल्ड खरीदेंगे। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप गोल्ड को एक्सचेंज करते वक्त कुछ बातों का बहुत ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ज्वेलर्स हैं जब उनके पास आप अपने गोल्ड एक्सचेंज करने जाएंगे तो वो आपको कई सारी कमियां बताकर आपके गोल्ड की वैल्यू और उसकी कीमत को कम कर देंगे, और सिर्फ गोल्ड एक्सचेंज करने के लिए भी आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। गोल्ड एक्सचेंज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? दोस्तों, अगर आप या आपकी फैमिली में कोई गोल्ड को एक्सचेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि गोल्ड एक्सचेंज करने का प्रोसेस भी कभी कभी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप ज्वेलर्स को अपनी पुरानी ज्वेलरी दिखाएंगे तो सबसे पहले वो आपको यही बोलेंगे कि आपके पुरानी ज्वेलरी की जितनी भी कीमत है उसका 15% हिस्सा वो खुद रखेंगे और बाकी जो भी होगा आपको कैश में दिया जाएगा। हालांकि अलग अलग ज्वेलर्स अपने हिसाब से इस परसेंट को कुछ घटा या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी तक मार्केट में एक स्टैंडर्डाइजेशन का कोई फिक्स रोल लाइन नहीं है और इसी वजह से आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अगर आप अपने गोल्ड को या अपनी ज्वेलरी को एक्सचेंज कर रहे
यानी अपना गोल्ड देकर दुकानदार से नया गोल्ड खरीद रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये कोशिश करनी है कि दुकानदार आपसे आपकी पुरानी ज्वेलरी पर किसी तरह का चार्ज न लगाए और न ही उसकी वैल्यू को कम करे। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब भी आप अपने गोल्ड एक्सचेंज करने जाएं, तो पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको उसके बदले में कौन सा गोल्ड खरीदना है और दुकानदार से पहले उस गोल्ड के बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है। जैसे इस ज्वेलरी का मेकिंग चार्ज क्या है, इस पर GST कितना लगने वाला है और इन सब चीजों के बाद आपको उसे खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा। और कोशिश करिए आपने पुराना गोल्ड जिस ज्वेलर्स से खरीदा है उसी के पास जाकर आप अपने गोल्ड एक्सचेंज करें, क्योंकि असल में तो होता ये है कि जब आप किसी नए ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो वह बेवजह आपके पुराने गोल्ड में कई सारी कमियां निकालने लगता है, जैसे कि किसकी प्योरिटी अच्छी नहीं है, इसका डिजाइन अच्छा नहीं है और इस वजह से इस पर मेकिंग चार्ज नहीं लगे। या यह भी हो सकता है कि नए ज्वेलर्स आपको ये बोले कि इसमें हॉल मार्क नहीं है, यानी ऐसे कई बहाने बनाकर वह आपके पुराने गोल्ड की वैल्यू को कम कर सकते हैं। पर जब आप उस ज्वेलर्स के पास जाएंगे जिससे आपने पहले ज्वेलरी खरीदी थी, तो वो आपसे इस तरह की बातें करेगा ही नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि आप अपने ज्वेलर्स से तभी मोल भाव कर पाएंगे जब आपको अपनी पुरानी ज्वेलरी की असली वैल्यू पता होगी। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो अपनी ज्वेलरी की असली वैल्यू पता ही नहीं है कि वह कितने कैरेट की थी और उस दौरान हमने उसे कितनी कीमत पर खरीदा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले जब कोई दुकानदार कस्टमर को ज्वेलरी बेचता था तो वह जिस ज्वेलरी को 22 कैरेट का बताता था वह असल में वह 18 या 19 कैरेट की होती थी और 24 कैरेट गोल्ड 22 से 23 कैरेट का हुआ करता था। इसीलिए अपने गोल्ड को एक्सचेंज करने से पहले ये जरूरी है कि आप अपने पास रखे हुए गोल्ड की असली वैल्यू को अच्छे से चेक कर लें। और आप उसकी प्योरिटी खुद चेक कैसे कर सकते हैं, और इंडिया में गोल्ड का प्राइस किस तरह से मैनेज किया जाता है और गोल्ड की प्योरिटी कैसे चेक की जाती है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत में 24 कैरेट गोल्ड को ही शुद्ध गोल्ड माना जाता है और उसकी शुद्धता का परसेंट भी 99% होता है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड को 91% शुद्ध माना जाता है, जबकि 18 कैरेट गोल्ड को 75% ही शुद्ध माना जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि आप जिस गोल्ड को एक्सचेंज कर रहे हैं वो किस कैरेट का है और इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि भारत में अलग अलग ज्वेलर्स गोल्ड की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ ज्वेलर्स ज्वेलरी पर सिर्फ हॉलमार्क देखते हैं, क्योंकि हॉलमार्क से ज्वेलर्स को यह तसल्ली हो जाती है कि आप जिस ज्वेलरी को एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है। हालांकि अब गवर्नमेंट का ये रूल जरूर आ गया है कि इंडिया में बनने वाली सभी ज्वेलरी पर हॉलमार्क होना जरूरी है, लेकिन जो ज्वेलरी आपके पास 15-20 साल से रखी हुई है, हो सकता है उस पर हॉलमार्क न हो, इसलिए ज्वेलर्स आपकी ज्वेलरी को चेक करने के लिए उसे स्क्रैच करके देख सकता है, उसे पिघलाकर देख सकता है और उसके बाद उसके वजन को नापा जाएगा, क्योंकि आमतौर पर भारत में सोने की कीमत उसके वजन और उसकी प्योरिटी से ही मापी जाती है। और जाहिर सी बात है कि 24 कैरेट गोल्ड, जिसे असली सोना कहा जाता है, उसकी कीमत 22 कैरेट या 21 कैरेट के गोल्ड से तो ज्यादा ही होगी। पर अच्छी बात यह है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपनी खुद की BIS केयर के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है, जिसके जरिए आप घर बैठे भी सोने की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस BIS केयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप जिस भी ज्वेलरी को खरीद रहे हैं उसके HUID नंबर को एप्लीकेशन में सबमिट करना है और उसके बाद आपको सारी डिटेल आसानी से मिल जाएगी। हालांकि इस काम में आप किसी ज्वेलर की मदद ले सकते हैं या फिर अपने किसी ऐसे फ्रेंड की मदद ले सकते हैं जिसको BIS केयर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी हो। यानी अब आप काफी हद तक समझ गए होंगे कि गोल्ड की शुद्धता चेक कैसे किया जाता है और गोल्ड का प्राइस भारत में किस तरह से डिसाइड होता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ और आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। एक कपल जिन्हें साल 2014 में एक चेन के लिए 37,500 रुपए मिल रहे थे और जब उन्होंने साल 2022 में उस चेन की कीमत को जाना तो वह 1,13,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। इससे आप काफी हद तक यह समझ पाएंगे कि हमारे पास सालों से रखा हुआ गोल्ड वक्त आने पर एक एसेट की तरह ही काम करता है। घर पर रखा पुराना गोल्ड किसी एसेट से कम नहीं है।
गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना हमेशा से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, पर इस बात को हम तब समझे जब हमारे दोस्त ने हमें बताया कि साल 2011 में जब उनकी शादी हुई थी तो उनके दादाजी ने उन्हें एक 20 ग्राम की सोने की चेन गिफ्ट की थी। उसके बाद कुछ साल बाद साल 2014 में जब कपल ने उस गोल्ड चेन की कीमत जानने की कोशिश की तो ज्वेलर्स ने उन्हें बताया कि इस गोल्ड चेन की कीमत तकरीबन 37,000 के आसपास है और इसकी असल वैल्यू जानने के लिए हमें इसे पिघलाकर एक बार देखना होगा। उस समय 10 ग्राम गोल्ड की कीमत तकरीबन 25,000 हुआ करती थी, लेकिन उस वक्त उस कपल ने उस गोल्ड चेन को नहीं बेचा। और हैरानी की बात यह है कि जब साल 2022 में दोबारा उन्होंने सोने की चेन की कीमत दूसरे किसी ज्वेलर्स से पता की तो उसकी कीमत 1,12,000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। इसके बाद उस कपल ने अपनी सोने की चेन के बदले एक ज्वेलरी खरीदी और उसका जो भी बिल बना वह पुरानी गोल्ड की चेन की कीमत के साथ एडजस्ट कर लिया गया। इससे आप काफ़ी हद तक ये समझ पा रहे होंगे कि आपके पास रखा हुआ पुराना सोना किसी एसेट से कम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए अगर आपने साल 2018 में कोई ज्वेलरी खरीदी थी तो उस दौरान वह ज्वेलरी आपको तकरीबन 31,000 के आसपास पड़ी होगी, लेकिन आज उसी 10 ग्राम की ज्वेलरी की कीमत 60,000 के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप ज्वेलरी की जगह गोल्ड को किसी और फॉर्म यानी बैंक से खरीदते हैं जैसे बॉन्ड या ETF में, तो इससे आपको ज्वेलरी के मुकाबले में काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और यह बात सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि बिलिमोरिया जो एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के बोर्ड मेंबर हैं उनका भी यही मानना है। चलिए आगे इसी के बारे में जानते हैं कि गोल्ड में अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में बिलिमोरिया किस तरह सोचते हैं और क्या ज्वेलरी में अपना पैसा खर्च करना एक सही फैसला है। आज शो को सुनने के बाद आप ये बात तो अच्छे से जान गए होंगे कि आज हमारे पास गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करने के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ ज्वेलरी में ही पैसे इन्वेस्ट करने को बेहतर ऑप्शन समझते हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन जरूर है, लेकिन शायद ज्वेलरी की जगह आप गोल्ड के अलग फॉर्म्स में पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर में ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि हमने आपको यह बताया था कि जब हम किसी ज्वेलरी को एक्सचेंज करने जाते हैं और हम किसी नए ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो वह हमें ज्वेलरी में कई कमियां गिनाते थे जिसकी वजह से हमें अपनी ज्वेलरी की असल कीमत नहीं मिल पाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पुरानी ज्वेलरी पर हॉलमार्क भी नहीं होते थे, वैसे में ज्वेलर्स हमें जो भी बताएगा हमें वो मानना पड़ेगा। फिर भले ही हमारा गोल्ड 24 कैरेट का क्यों ना हो, वह उसे 22 कैरेट का बता के कुछ परसेंट अपने पास रखकर कैश दे देते हैं। इसीलिए ज्वेलरी सिर्फ तब तक अच्छी है जब तक आप अपने ज्वेलर्स नहीं बदलते हैं। इसलिए अगर आप ज्वेलरी खरीद भी रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें, आप सिर्फ एक ही ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदें और उसी से ही अपनी ज्वेलरी एक्सचेंज करें, बल्कि इस बारे में एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बोर्ड मेंबर बिलिमोरिया का भी यही कहना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से गोल्ड में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ज्वेलरी की जगह आपको गोल्ड के अदर फॉर्म्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में हमने आपको थोड़ा बताया था, इसके अलावा गोल्ड ETF भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें आपको सिक्योरिटी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको हर साल इंटरेस्ट भी मिलता है और ना तो इसमें किसी तरह का मेकिंग चार्ज लगता है और ना ही इसे बेचते वक्त आपको किसी तरह की परेशानी होती है। चलिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ETF के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं ताकि आप सही फैसला ले सकें कि आप किस जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है और कैसे फिजिकल गोल्ड के मुकाबले यहाँ आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ETF की बात की जाए तो आसान लैंग्वेज में कहें तो ETF एक तरह से शेयर की तरह ही होता है, जिस तरह से आप मार्केट से शेयर खरीदते और बेचते हैं ठीक इसी तरह ETF भी है जिसकी फुल फॉर्म एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने 50,000 रुपए ETF में इन्वेस्ट किए तो इसकी खास बात यह है कि 50,000 रुपए का आपका गोल्ड एक्चुअल में स्टोर किया जाएगा और जब आप इसे बेचेंगे तो आपको इसकी वही कीमत दी जाएगी
जो उस दौरान फिजिकल गोल्ड की मार्केट में होगी। लेकिन जैसा कि आप जान गए हैं कि जब हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें कई तरह के चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, लेकिन ETF में आपको न तो किसी तरह की GST देनी होगी, न ही कोई मेकिंग चार्ज देना होगा। यानी ETF में आपकी क्रेडिट परसेंट लिक्विडिटी बनी रहती है। बस ETF में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होता है, जो कि आप नॉर्मल गोल्ड खरीदते वक्त भी देते हैं। इसके अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात की जाए तो इसे RBI समय समय पर इश्यू करती है, पर आप बैंक से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इस बॉन्ड का फायदा यह है कि इसमें आपको हर साल 2.5% का रिटर्न दिया जाता है और मिलने वाले इस रिटर्न में आपका कोई टैक्स नहीं लगता। पर अगर आप इसमें 8 साल के लॉक इन पीरियड पूरा कर लेते हैं तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ETF की तरह ही इसमें भी आपको सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी तरह का मेकिंग चार्ज नहीं देना होगा और आप आसानी से इसे बेच भी सकते हैं। बस फर्क ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में यह है कि ETF में आप कभी भी गोल्ड खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते, जबकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कम से कम 5 साल तक उसे होल्ड करके रखना होगा। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ज्यादा बेहतर कौन है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको फ्यूचर में ETF के मुकाबले में ज्यादा प्रॉफिट देगा, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको हर साल 2.5% का रिटर्न भी मिल रहा है और इसमें आपको कैपिटल गेन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती।